हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ठीक भी हूँ, नहीं भी ठीक हूँ, क्योंकि मेरा एर्थ मंथ कंप्लीट होने वाला है, नाइन्थ मंथ लगने वाला है 2-3 दिन बाद। इसलिए आप लोग देख रहे हैं फेस पे स्वेलिंग आ गई है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ गई है और मुझे धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए मेरा टेस्ट हो रहा है। इसमें शुगर, बीपी सारे टेस्ट हो रहे हैं और मुझे हॉस्पिटल भी बहुत जल्द जाना है। ये ब्लॉग जब तक आएगा मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल जा चुकी होंगी। 4 ईयर में मुझे बहुत ब्लड देना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा। बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी अब मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े डिलीवरी के बाद से। कोशिश मेरी यही रहेगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। सच कोई नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल, बता नहीं सकते। मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल की तरफ देखूँ ना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल बहुत गई हूँ। कितनी बार तो ब्लड दिया है, बीको लग रही हैं, कितने टेस्ट हुए हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल से ना मतलब वो अंदर से अजीब सा लगता है, देखना भी नहीं पसंद मुझे, इरिटेट होती हूँ। लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, कोई नहीं जाना चाहता है। सुबह का टाइम है, ये बैंक के लिए तैयार हो रहे हैं और भी भैया ने बोला है कि 2 घंटे बाद फिर से आऊँगा, क्योंकि शुगर की जांच पहले खाली पेट होती है, इसके बाद 2 घंटे बाद जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद होती है शुगर की जांच। थायराइड की भी जांच थी, सारी जाँचें थी। इसी प्रसाद खा रहे हैं। माँ जी नीचे जा रही है। आज मैंने बहुत सोया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मेरे यहाँ टेम्परेचर 45 है। जी नानी के पास है, सब लोग बैठे हैं, नानी खेल रही हैं एसी के साथ, अंधेरे में बैठे। आप लोग अंधेरे में बैठे, हमने लाइट जलाया ताकि आप लोग के चेहरे दिखे, हमने जलवाया है। इन लोगों को लाइट नहीं पसंद है क्योंकि लाइट से इन लोगों को गर्मी लग रही है। आज पंखे में नहीं बैठी आप लोग, दिया था और मैंने लाइट जलवाया ताकि इनके फेस दिख पाए। हम नहीं पहचान पाते, बाबू कह रहा है कि पापा आज जल्दी आ गए। आज 5:30 में निकले थे ना, वैसे था नहीं ना। अच्छा बताया नहीं आपने, बैठा दीजिए माँ जी, बैठा दीजिए, बहुत दिन से बैठा नहीं है। कह रहा है बॉल ले लो अपना, जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, लीजिए चाबी, लीजिए चाबी। बंद कर दूँ? बंद कर, वो घूम भी करेगा, घूम भी करेगा। हाँ जल्दी क्यों आ गए थे, ऐसे निकल आए। अच्छा शनिवार को ठंडा ही पिलाऊंगी, चलिए। क्या कर रहे हो बाबू? आज मेरा मन चाय पीने का हुआ है, तो मैंने सब लोग से बोला कि मैं सबके लिए चाय बना दूं, क्योंकि मेरी वजह से चाय नहीं बनती है। और मैंने चाय बनाई मसाले वाली, मुझे इलायची वाली पसंद है चाय। इनकी पढ़ाई हो रही है। क्या है ये दिखाओ। इसी को व्यंजन सिखाए जा रहे हैं, हिंदी के स्वर और व्यंजन। बाबू फैलाता है सिर्फ। जो पापा खा रहे, पापा खा रहे ना, आ आ देखो देखो बाबू आ। ने मैट को फाड़ दिया और ये व्यंजन यसी के फैले हुए हैं। यसी क्या कर रहे हो, मैट फाड़ दी? मैट अच्छी थी लेकिन यसी ने इसकी पन्नी निकाल दिया।
खेलती ज्यादा है, पढ़ाई कम होती है इनकी। बिजी है। हम लोग जा रहे हैं प्लॉट देखने, लेट निकले हैं और दो तीन प्लॉट देखने हैं हमें। इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, इसलिए एक बिछुआ है आपका, डेढ़ बिछुआ, डेढ़ बिछुआ, एक बिछुआ, और दोनों का जो 20 फुट रोड है पूरा चौड़ाई लंबाई। नमस्ते करो बाबू, नमस्ते करो। अरे भाई भाई भाई, नमस्ते बच्चू। अब जाकर इतना आदि सन घर भी बन गया है, घर भी अच्छा बना है। दूसरा प्लॉट देखने आ गए हैं, रात होने वाली है और पूरा जंगल पड़ा हुआ है, डर लग रहा है मुझे, डर लगता है, बड़ा जंगल टाइप है। प्लॉट अच्छे हैं, प्लॉटिंग यहाँ हो रही है। हाँ मुझे बीच वाला पसंद है प्लॉट, ये इसका फिर देखिए क्या होता है, अभी देख रहे हैं। वो देख लीजिए कौन सा, ये भी बगल वाला जिसमें नहीं हो रहा है, वही पश्चिम से सब दिखाई, ये लीजिए है ना, दिशा कौन सी है, पूरा पश्चिम पूरा पड़ता है। हाँ तो ठीक, ये ले लीजिए, ये सही लग रहा है। हाँ ये सही लग रहा है। थर्ड प्लॉट देखने आ गए हैं कॉलेज के पास, मैं कॉलेज भी जाऊंगी, पेड़ पेड़ और यहाँ पर अंधेरा है तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दिन में, तो मतलब यदि बाद में गेट इस साइड रहेगा ना। सब बहुत जंगल है, सुबह आकर कभी ना सुबह चीज यही समझ आती है। हाँ ठीक है, थोड़ा प्लॉट मतलब यहाँ से ऐसा इस तरह मतलब है टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, नहीं यहाँ से कम हो गया आगे आके। हाँ ऐसा है मतलब प्लॉट, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे ना ऐसा है, बन गया होता गया इधर, अच्छा तो क्या ऐसे ठीक समझ गया, इस तरह प्लॉट सर। अब चलेंगे चलेंगे, अब ऊपर चलना पड़ेगा ना इसलिए। हाँ सर ठीक, नमस्ते, ठीक सी नानी के साथ खेल रही है, बहुत हैप्पी हो रही है, उनको मजा आ रहा है। रात के 10 बज गए हैं,